माँ नर्मदा की इस पवित्र धरती पर हम अपने यशस्वी नेता जिनको तकनीक और वित्त के समायोजन का की डॉक्टरेट जिनको मिली है, कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, योजना का क्षेत्र हो, उन सभी के लिए एक ऐसा नाम देश में ही नहीं दुनिया में भी लोग उनके इस गुण को लेकर गर्व करते हैं। ऐसे आदरणीय नितिन गडकरी जी, मैं आपका जबलपुर की धरती में ऐसे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेश के अध्यक्ष माननीय बी डी शर्मा जी, हमारे दोनों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेन जी, फग्गन सिंह जी, मंचस्थ सभी नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं सिर्फ आदरणीय नितिन जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं दमोह लोकसभा का सांसद था और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वहाँ से गुजरता था, तो मैंने उनको 5 ब्लैक स्पॉट बताए थे कि ये यहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं और यहाँ पर अंडरपास या ओवरब्रिज बन जाए तो बड़ा अच्छा होगा। मुझे लगता है ये तकनीकी तौर पर कहीं गलती हुई है। वो जब सड़क बनी थी तब नितिन जी मंत्री नहीं थे, वो और पहले बनी थी। मैं उनका धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ कि व्यक्ति के एक सांसद के नाते मैंने जो बात उनसे कही थी उनने उसको वहीं तक सीमित नहीं रखा। उनने ललितपुर से लखनादौन के बीच में जितना भी सड़क मार्ग था उसके उस ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित किया। मैंने तो 5 का नाम लिखा था। आज 23 स्थानों पर अंडरपास और ब्रिज बनने का भूमि पूजन आज यहाँ पर हो रहा है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बिना मांगे देना ये नितिन जी से सीखना होता है। कोई समस्या लेकर आए तो वो समस्या एक बार में बाकी लोगों की भी उस प्रकार की अगर हो तो वो दूर हो जाए। ये दृष्टिकोण, ये काम करने का तरीका आदरणीय नितिन जी का है। नितिन जी के लिए आज धन्यवाद देने का अवसर इसलिए भी है कि जबलपुर से लेकर ओरछा तक, जिसमें दमोह पड़ता है, एकमात्र ऐसा जिला था मध्य प्रदेश में दमोह जहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था, बाकी सभी जिलों में था। लेकिन नितिन जी ने पिछली यात्रा में उसे भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़कर जबलपुर को ओरछा धाम से जोड़ने का काम भी उनने किया, इसके लिए भी उनका आभार मानता हूँ। शिवनी जो हमारा मेरा राजनीतिक शुरुआत का केंद्र रहा है, वहाँ पर इतनी अड़चने होने के बावजूद भी उन्होंने वहाँ से उस कॉरिडोर को जस का तस बनाया और पैच अभ्यारण्य की सुंदरता भी दिखती है और सड़क का सुख भी मिलता है। ये काम नितिन जी के द्वारा हुआ है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। एक और, जहाँ का मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ से नरसिंहपुर से दूला देव से लेकर जयपुर जबलपुर रोड पर मिलने वाला रोड, उसको 4 लाइनों का बनाने का काम भी आपने निर्देश दिया है, इस बात के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये समृद्ध मंच है। मैं फिर से आदरणीय नितिन जी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपके पधारने से निश्चित रूप से सबको सीख मिलती है, काम करने का रास्ता मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर।